गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3 वीडियो को लेकर आए हैं। आज चौथा रूल से चलेंगे। इसके पहले 3 रूल तक बता दिए हैं। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथा रूल जो दिया हुआ है, चौथा रूल है सब्जेक्ट, नहीं चौथा रूल में हैज से स्टार्ट होगा, ठीक है। हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चौथा नियम हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या मैंने काम किया है, ठीक है। क्या मैंने काम किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने काम किया है, पहले हैज या हैव लगाना है, तब सब्जेक्ट, तब नोट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए क्या मैंने काम किया है, तो क्या के बाद क्या है, क्या के बाद मैंने है, मैंने के लिए क्या होता है आई, और आई साथ हैव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई वी यू दे पुलानों साथ हैव लगता है, और ही सी इट नेम सिंगुलर साथ हैज लगता है। तो यहाँ पर क्या है आई है, आई साथ क्या लगेगा हैव, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश आई होता है तो यहाँ पर हैव लगेगा, तो हैव दे दिए हैव, और मैंने क्या होता है आई, आई दे दिए। देखिए यहाँ पर निगेटिव था तो निगेटिव लेते हैं, क्या मैंने नहीं दे दीजिए, क्या मैंने नहीं काम किया है, तब नहीं वाला बनेगा, यहाँ पर निगेटिव लिए हैं, ठीक है। तो हैव आई तो सब हैज है प्लस सब्जेक्ट दिए, तो हैव आई और बाद क्या देंगे नोट, नोट लिख दिए। और काम करना क्या होता है वर्क, वर्क का V3 लेता हो जो होता है वर्कड होता है, वर्कड नोट ऑफ इंट्रोगेशन, हैव आई नोट वर्कड, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है क्या लड़कियां नहीं, क्या लड़कियां नहीं खाना बनाई है, ठीक है। क्या लड़कियां खाना नहीं बनाई है, तो यहाँ देखिए क्या, क्या के बाद क्या है लड़कियां है, लड़कियां क्या होगा गर्ल्स पुलर, ठीक है। तो पुलर नाउन शब्द क्या लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं पुलर नाउन शब्द क्या लगता है, हैव। तो यहाँ पर क्या दे देंगे हैव, ठीक है, हैव हैव दे दिए। लड़कियां तो खास लड़की के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर दी लेंगे, दी गर्ल्स। उसके बाद क्या देंगे सब्जेक्ट के बाद नोट। खाना बनाना क्या होता है कुक फूड, तो यहाँ पर V3 देना है तो कुक्ड फूड, ठीक है, कुक्ड फूड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या लड़कियाँ नहीं खाना बनाई है, हैव द गर्ल्स नॉट कुक्ड फूड। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है क्या मोहन नहीं तुम्हें धोखा दे चुका है, ठीक है। क्या मोहन तुम्हें धोखा नहीं दे चुका है, तो यहाँ पर देखिए क्या के बाद क्या है मोहन, मोहन नाम है, नाम सत क्या लगता है, ठीक है।
है, किसी का नाम हो उसके साथ क्या लगता है हैज, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हैज, तो ये क्या हो जाएगा हैज, हैज मोहन, हैज मोहन। और देखिए नियम क्या है, यहाँ पर नोट देंगे उसके बाद नोट, और धोखा देना क्या होता है चीट, चीट का यहाँ पर क्या देना है भीतरी देना है, तो क्या हो जाएगा चीटेड, चीटेड तुम्हें, तुम्हें क्या होगा यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मोहन नहीं तुम्हें धोखा दे चुका है, तो हैज मोहन नोट चीटेड यू। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है क्या आपने, क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो देखिए यहाँ क्या के बाद क्या है आपने, आपने का यू होता है तो यू के साथ क्या लगेगा हैव, ठीक है अब देख सकते हैं यू के साथ क्या लगेगा हैव, तो हैव लगा देते हैं यहाँ पर हैव दे दीजिए हैव, ठीक है आपने क्या होता है यू, अब नियम क्या है हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे नोट लगा दिए, और खाना क्या होता है ईट, ईट का हमको भीतरी देना है तो ईट का भीतरी जो होता है ईटन होता है ईएटन नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या वह मदद नहीं किया है, ठीक है क्या वह मदद नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए क्या के बाद क्या है वह कि इसका ही होता है और ही सत्य क्या लगता है हैज, यहाँ पर देख सकते हैं ही पर ही सत्य क्या लगता है हैज, हैज लगता है तो यहाँ पर हैज लगा देंगे, हैज लगा दिए ठीक है यहाँ पर हैज लगा दिए, अब देखिए हैज वाकिंग्स क्या होता है ही, उसके बाद क्या देंगे नोट, ठीक है नोट यहाँ पर है नियम, उसके बाद नोट देंगे उसके बाद भी थ्री, भी थ्री हैज ही नोट हेल्प्ड, ठीक है हेल्प्ड, ठीक है क्या हुआ मदद नहीं किया है हैज ही नोट हेल्प्ड, ठीक है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ये हो गया। चलिए पांचवा नियम पर चलते हैं, देखिए पांचवा जो नियम है रूल नंबर पाँच, देखिए रूल नंबर डब्लू या एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है डब्लू या एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं, देखिए ये डब्ल्यू एच जो होता है डब्ल्यू एच ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो बताए थे इस नो डब्ल्यू एच वाला होता है उस सब को हम बता दिए हैं आपको, आपको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है चलिए इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं जैसे हम लोग ठीक है हम लोग कब गए हैं, ठीक है हम लोग कब गए हैं तो देखिए हम लोग कब गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसमें क्या है डब्ल्यू एच इसमें कौन है कब है, इसमें डब्ल्यू एच जो होता है कब होता है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है हुएन, हुएन लिखे कब का हुएन, हुएन लिख दिए, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है हम लोग के साथ क्या लगता है हम लोग क्या है वही होता है वही साथ क्या लगता है हैव, ठीक है वही साथ देख सकते हैं,
उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ हैव, तो यहाँ पर जो हमें है तो हम जो लगा दिए हैव, ठीक हैव लगा दिए हैव। अब क्या होता है वी, वी जाना क्या होता है गो, इसका हमको भी थ्री लिखना है, भी थ्री तो क्या हो जाएगा गोन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन व्हेन हैव यू वी गोन, ठीक है। अगला है, अगला देखिए वे लोग कैसे, वे लोग कैसे काम कर चुके हैं, ठीक है, वे लोग कैसे काम कर चुके हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच कौन है, कैसे डब्ल्यू एच है, कैसे इंग्लिश क्या होता है हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ होता है कैसे का, कैसे क्या हुआ हाउ। अब देखिए यहाँ वे लोग, ठीक है वे लोग का दे हो सता होता है और दे सत क्या लगता है हैव, ठीक है देख सकते हैं, देख सत क्या लगता है हैव, हैव तो यहाँ पर हैव लगा दिए हैव। अब क्या हो जाएगा दे, दे अब काम करना को वर्क होता है, वर्क का भीतरी क्या होता है, भीतरी देना है, ये हो जाएगा वर्कड, डब्ल्यू आर के ई डी नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अगला लेते हैं, अगला है मोहन, मोहन क्यों आ चुका है, ठीक है मोहन क्यों आ चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले डब्ल्यू एच देना है, इसमें क्यों क्या है डब्ल्यू एच, क्यों की इंग्लिश क्या होता है हुआ है, हुआ लिख दिए। अब मोहन, मोहन नाम है, नाम साथ क्या लगता है, ठीक है नाम के साथ क्या लगता है यहाँ देख सकते हैं नेम, नेम साथ क्या लगता है, तो मोहन नाम है, यहाँ पर हैज लगा देंगे हैज, क्या हो जाएगा मोहन, मोहन और आना क्या होता है कम, आना का कम नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मोहन क्यों आ चुका है, हुआ हैज मोहन कम, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला है वह कैसे झूठ बोला है, ठीक है प्रसाद सिंह, वह कैसे झूठ बोला है, तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या है डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच क्या होगा हाउ, कैसे क्या होता है हाउ, हाउ होता है। और देखिए वह, वह के लिए क्या होता है ही, और ही सब क्या लगता है हैज, हैज लगा दिए अब ही दिए। झूठ बोलना होता है टेल ए लाए, तो टेल का टोल्ड करना, क्योंकि हमको यहाँ भीतरी देना है, यहाँ पर टोल्ड कर दिए, तो ही टोल्ड टी है, ठीक है टोल्ड ए लाए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अगला है तुम लोग, ठीक है तुम लोग मैं कैसे लेते हैं, मैं कैसे स्कूल गया हूँ, मैं कैसे स्कूल गया हूँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या है, डब्ल्यू एच है कैसे, कैसे क्या होता है हाउ, कैसे क्या होता है हाउ, और कैसे का हाउ होता है, यहाँ जो लगता है, ठीक है तो मैं के लिए आई हो तो आई साथ क्या लगता है, यहाँ हम देख सकते हैं आई साथ क्या लगेगा है, यानी आई वी यू दे पुलर पहुँचो तो हैव लगता है, आई साथ क्या लगेगा हैव, तो यहाँ पर हैव लगा दिए हैव, ठीक है। और माइक इंग्लिश क्या होता है आई, आई अब क्या हो जाएगा यहाँ स्कूल जाना क्या होता है गो, गो का हमको यहाँ भीतरी देना है, तो गोन, गोन
टू स्कूल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, मैं कैसे स्कूल गया हूँ, हाउ हैव आई गोन टू स्कूल, ठीक है, मैं कैसे स्कूल गया हूँ, यह हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल इस पर और ले लेते हैं। जैसे सीता क्यों जा चुकी, सीता क्यों जा चुकी है, ठीक है, सीता क्यों जा चुकी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डब्ल्यू एच कौन है, क्यों क्यों, ठीक है, क्यों है, इसमें क्यों है, तो क्यों क्यों क्या देंगे, हुआ, क्यों क्या देंगे, हुआ है सीता, ठीक है, सीता नाम है, नाम से तो क्या लगता हैज, हैज क्या हुआ, सीता, सीता जाना क्या होता है, गो, गो भी थे क्या होता है, गोन, सीता क्यों जा चुकी है, हुआ है सीता गोन, ठीक है, गोन। चलिए अगला है, जैसे वह क्यों पटना गई है, वह क्यों पटना गई है, नोट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्यों क्या होगा, हुआ है, क्यों क्या होगा, हुआ है, और देखिए वह सब क्या लगता है, गई है तो सी स्त्रीलिंग के लिए तो हैज लगता है, हैज लगा दिए, वह क्या होगा सी, जाना क्या होगा गो, तो गो कहते हैं गोन, गोन टू पटना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, वह क्यों पटना गई है, हुआ है सी गोन टू पटना, ठीक है। फिर चलिए अगले वीडियो में छठा रूल से बताएंगे। देखिए आप पहले रूल याद कर लीजिएगा, ठीक है, डब्ल्यू एच प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोटिफिकेशन, उसके बाद देखिए ये रूल लिखा है चौथा, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोटिफिकेशन, ठीक है, इसमें जो है डब्ल्यू एच आपको प्रेजेंट इंटरव्यू टेस्ट में क्या क्या होता है सभी को लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे।